ਓਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਕੈਮਰਾ ਮੋਰੇ ਆ ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ। ਦੋਸਤੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਵੋ ਨਿਭਾਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਬ ਕਿਆ ਹੈ ਵੋ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਿਆ ਜੋ ਵਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਬ ਵੋ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਅਦਾ ਥਾ ਯਹਾਂ ਸੇ जो ये डंप है कूड़े का वो उठवाने का, मगर कूड़े के डंप के ऊपर जो छत था सिर्फ वो उठवा दिया गया और कूड़े का भंडारण निस्तारण लगातार उसी तरह यहाँ जारी है। पहले क्या था, आने जाने वाले लोगों को कूड़ा दिखता नहीं था क्योंकि ये कवर था, डंप पूरी तरह बना हुआ था, परंतु जैसे ही ये कूड़े का डंप ऊपर से हटा दिया गया उसके बाद आने जाने वाले लोगों को ये कूड़ा साफ दिखता है, उनकी आंखों से इसकी दुर्गंध इतनी फैलती है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी तरफ यहाँ भयंकर नंदियों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जो बेसहारा गायियाँ, बेसहारा जो नंदी हैं बड़े बड़े सिंगों वाले, वो यहाँ बड़ी संख्या में एकत्रित होने शुरू हो गए और ये एक मुख्य मार्ग है जहाँ पर लोग दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन से आते जाते हैं, जिसके कारण नित नए दुर्घटनाएं भी होती हैं क्योंकि ये अचानक समूह में रोड की ओर भागते हैं जिन्हें संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी तरफ रोशन ग्राउंड है, सामने श्री राम मंदिर है। लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत करके बता दें कि जब कूड़े का डंप यहीं जस का तस बना हुआ है और सिर्फ इसकी छत को हटाया गया तो कितना फायदा कितना नुकसान स्थानीय लोगों को पहुंच रहा है। बिल्कुल कूड़े के डंप के सामने हम आ गए। यहाँ पर नान बनाने का भाई साहब काम करते हैं, इनसे बातचीत करके इनके दिल के दुख को भी आपको सुना देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, जो ये कूड़े का डंप है, क्या ये कूड़े का डंप यहाँ से वाकई हटा दिया गया? हटा तो दिया, पर हटा किधर से? देखो, पूरा गंदगी है, फुल गंदगी है, फुल टाइम गंद बाहर रहता है, इतनी स्मेल आती है, इतना बदबू आती है, किसी टाइम गाँव बैठता हुई उठ के भाग जाता है खाने के टाइम पर, इतना मुश्किल होता है। तो वो मालूम नहीं कभी उठाएंगे कभी नहीं उठाएंगे, मालूम नहीं है। देखो अभी क्या करते हैं, बाकी तो उठाना चाहिए। वो बोलता है बंद हो गया, बंद हो गया। अरे बंद साला स्वा हुआ है, वो फिर कचरा वहाँ बाहर का बाहर ही है, पूरा कचरा डाला ही होता है। जो भी मर्जी देख लो, कचरा ही कचरा होता है। सुबह आके देख लो, शाम को देख लो, कचरा ही होएगा। उसके सिवा कुछ भी नहीं है इधर मार्केट के अंदर, पूरा बदबू की स्मेल आ रहा है। और ये जो सांडों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, इसका कितना फायदा नुकसान होता है? इसका तो आते जाते जितना गाड़ी वाला सबको नुकसान है। कभी रोड के गब्बे में लड़ पड़ते हैं, कभी शहर में लड़ पड़ते हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ लड़ पड़ते हैं, मालूम नहीं पड़ता। दो तीन बार पीछे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, दो दिन पहले गाड़ी में टक्कर हुई, लड़ते लड़ते गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, वो पूरा नुकसान कर दिया गाड़ी वाले का भी। वो बेचारा किसको बोलेगा, किसी को बोलने का कारण नहीं है ना। तो ये तो बिल्कुल सामने दुकानदार भाई थे, उनका दर्द था। कुछ और लोगों से अगर बातचीत करके बताएं आपको तो लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो अपना नाम हमारे दर्शकों को जरूर बता दें। मैं जोगिंदर सिंह शीना हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं। जोगिंदर सर, ये जो कूड़े का डंप यहाँ पे था, सरकार का वादा था कि ये कूड़े का डंप शहर से उठाकर भंगी चौके पास ले जाएंगे, पर जो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है वो ये है कि कूड़े का डंप तो नहीं हटा, पर जो ये कवर था टीन से जो ढकी हुई थी, जो कूड़ा लोगों को नहीं दिखता था, वो अब दिखना शुरू हो गया है। और कूड़े का मौजूदा हालात क्या है, इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं। ये तो भाई साहब, आप एक जगह का कूड़े के डंप की बात कर रहे हो, चलिए मेरे साथ, मैं शहर के 8-10 पॉइंट आपको ऐसे बताता हूँ कि जहाँ कूड़ा ऐसे खुलेआम शरेआम है, कोई म्यूनसिपैलिटी के जो ऑफिसर्स हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के एम्प्लाईज़ हैं, जो ये भगवंत मान जी की सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, कहते हैं हमने पंजाब बदल दिया, पंजाब बदल देंगे, पंजाब को विकास के लिए, पर ये विकास सामने आपको दिख रहा है कि कैसा विकास है, हमें तो समझ नहीं। इन्होंने वादे तो बहुत किए थे, मगर आप ही बताइए कोई एक वादा ऐसा बता दो जो उन्होंने पूरा किया हो। लुटमार मची हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं, कहाँ कोई निहंग गोलियां चला रहे हैं, पुलिस के बंदे जख्मी हो रहे हैं, कहीं कोई किसी की स्नैचिंग हो रही है, किसी के आदमी को गोली मार के मारा जा रहा है, किसी के हाथ से मोबाइल छीना जा रहा है, किसी के गले से चेनियां उतर रही हैं। मैं क्या क्या आपको बताऊं जो इस निज़ाम में हो रहा है।
मैं कह सकता हूं कि ये गवर्नमेंट टोटली फेल है। और गवर्नमेंट का लोगों के काम करने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इनके आपस में ही कोई दिल्ली और पंजाब के बीच कोई रशाकशी चल रही है, तो उसका अंजाम क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर बहुत आने वाले जल्दी समय में आपको वो भी सामने आ जाएगा कि इनका ध्यान अपनी अपनी कुर्सी के साथ चिपके रहना ही लक्ष्य है, और ये एक दूसरे को उठा कर बदल कर आउट करके तो अपना लोगों का ध्यान जो है जो गवर्नेंस होती है उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट दिस गवर्नमेंट हैज़ टोटली फेल्ड ऑन ऑल द फ्रंट्स। सिर्फ ऐलाननामे कर रहे हैं, पिछले दिन ही मुख्यमंत्री दो दफ़ा यहाँ आए हैं होशियारपुर में, क्या कंडी की बातें करते हैं। कंडी की इतनी समस्याएं हैं मैं आपको गिनाने लगूं तो 15 मिनट लगेंगे कम से कम, मगर शॉर्ट में बताता हूं कि ये एक काम बता दें इन्होंने कंडी के लिए क्या किया। पानी की वहाँ समस्या, और अभी हड़ आ गया है, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, दरिया के कोई बंद प्रॉपरली इन्होंने नहीं, जितना हड़ आया होशियारपुर और गुरदासपुर के दो दरिया चलते हैं जो कंडी के एरिए में मकेरियाँ तलवाड़ा की ओर हुआ, आप सभी के सामने है। सर, सरकार कह रही है हेल्थ सुविधाओं में बहुत सुधार कर दिया गया, शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला दी गई। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे आप अपने शहर में और पूरे पंजाब में एक भी ऐसी क्लिनिक जिसको बोलते हैं आम आदमी क्लिनिक कोई नई बनी एक ही दिखा दीजिए। मैं आपको कौन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको कूची फेर के लिम्बा पोची करके उसको वक्रा रंग दे के उसका नाम आम आदमी क्लिनिक बना दिया। अगर ये आम आदमी क्लिनिक ही इतनी बड़ी चीज़ है तो इतने इतने बड़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल उनको बंद कर दें फिर। सर, मुख्यमंत्री जी कहते हैं विदेश से लोग आकर पंजाब में नौकरी करेंगे, ऐसा पंजाब बना देंगे। अभी तो सारा पंजाब विदेशों में जा रहा है, ये कैसी बातें करते हैं, बचकाना बातें हैं कि आज ही आंकड़े आए हैं कि 16 लाख लोग और दो सालों में जाने वाले हैं, 16 लाख पंजाब से बाहरले मुल्कों में, और जो बाहरले देशों में पंजाबियों को हाल हो रहा है, अचर हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी कनाडा की तस्वीर आपके सामने है, आप रोज़ सोशल मीडिया में देखते हो। मैं इनको एक अपील करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री उनकी सारी टीम को कि ऐसे लुभाने नारे मत दो, आपका झूठ एक दफ़ा चल गया पंजाब के लोगों ने, वो भी काली भाजपा से लोग, काली और कांग्रेस से लोग दुखी थे, तो इसकी वजह से लोगों ने भाजपा की जगह इनको मौका दे दिया कि इनको पहले मौका नहीं मिला। तो जो हशर इन्होंने, जो मैं करप्शन की बात करता हूँ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, कोई ऑफिस ऐसा दिखा दो जहाँ लोगों की लूट नहीं हो रही और बिना पैसे के काम हो रहा है। सभी मंत्रियों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, किसी मंत्री को हटाया जा रहा है, किसी चेयरमैन को हटाया जा रहा है, नवे को बनाया जा रहा है, खिंचोतान पड़ी हुई है। मुझे तो इनका गवर्नेंस के वाले पासे ध्यान ही नहीं है। मैं लास्ट में अपनी बात पे आता हूं, मैं चाहूंगा कि आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इन हालातों को सुधारने के लिए, क्या कुछ उन्हें करना पड़ेगा। मैं जनता से एक ही अपील करता हूँ, जनता जनार्दन। जो है वो सबसे ऊपर है, तो जनता सब कुछ समझती है, जनता सब कुछ समझती है कि आने वाले समय में क्या होने वाला। आप देखना, पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं, आपको सारा पता लग जाएगा। तेल और तेल की धार देखें, किसके पास क्या है और पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, पंजाब की जनता क्या चाहती है, आपको पता चल जाएगा। ये बाई फॉल्ट आए हैं और बाई डिफॉल्ट जाएंगे। क्या बात है। तो एक बड़ी बातें जोगिंदर जी ने कही है जिस पर गंभीरता से गहन विचार करने की ज़रूरत है। आप लगातार जुड़े रहें, हम अन्य लोगों से भी रिव्यू लेकर आपको बता दें कि कूड़े का डंप का समाधान कैसे और क्यों नहीं किया जा सका।